थैंक यू अच्छी होगी। आज हमारी दावत हमारे नानों की तरफ मतलब हमारे मामू की तरफ। तो जानता पापा ने कहा था कि नाश्ता कर लो, हल्का फुल्का नाश्ता करके जाएंगे वरना हमसे कुछ खाया नहीं जाएगा। यहाँ पे जैसमान वाले से पी रहे थे। तो मैं जी आज तैयार होने लगी, ईद का सेकंड डे आज। कल मैं बहुत लेट हो गई थी इसी वजह से व्लॉग भी बाद में आएगा। तो गाइस ईद मुबारक को आप सबको। गाइस मम्मा तैयार हो रही हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और आज ये जो गिटार वाली शर्ट देख रहे हैं ना, और ये बता दूँ किस ब्रांड की शर्ट है, ये आज मैंने शर्ट पहनी है रोल ओवर की। और मम्मा मेकअप कर रही हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और मम्मा ने रिंग लगाने की कोशिश की थी तो मम्मा का अच्छा ही नहीं आया, टेप भी लगी हुई है यार, कुछ नहीं होता। और मैं परफ्यूम कौन सा लगाऊंगा, मैं परफ्यूम कौन सा लगाऊं मामा प्लीज बता दें। मेरे वाला लगा दो। हम जो आज लगाती है जिसकी इतनी अच्छी अच्छी ये लगाती है। नहीं ना, ये मीठी मीठी खुशबू जिसकी थी, मीठी खुशबू ये भी लगाती हूं। हां ये पेरिस वाला मुझे भी अच्छा लगा। तो गाइस अब मैं ये वाला परफ्यूम लगाने लगा हूं, परफ्यूम लगा के आपसे भी सब चटके लिए। तो अब मैं आपसे मेरी परफ्यूम लगा के एक दफ़ा फिर से मिल चुका हूँ, और गाइस मम्मा की जगह मम्मा को वापस दे देते हैं। और मम्मा ने थोड़ा सा मेकअप तो काट लिया, बाकी मेकअप कर रही हैं। परफ्यूम लगी और आप सबको एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक। सब तैयार हो रहे हैं। मम्मा ये शर्ट क्यों बाहर निकाल ली है? अच्छा मैं लाल को दिया हूँ। अच्छा जी, तो मैं शेट दे के आपसे मिलता हूँ तब तक के लिए। मम्मा इधर देखना तब तक के लिए। तो वैसे आप लोग की कैसे गुजरेगी है, मैंने परफ्यूम लगा लिया है, आप लोग बताएं मेरे कपड़े आप लोगों को कैसे ला गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। और मैं तो बस रेडी हूँ, अब मम्मा ने रेडी होना, नानू नाना सारों ने रेडी होना। सबसे पहले मैं शरीर मैं रेडी होता हूँ, अब मैंने LED लगानी है, थोड़ी देर लगाऊंगा फिर हमने चले जाना है। और मम्मा स्मार्ट वॉच पहन के जाऊँगी या ना जाऊँ? ठीक है यार, लेकिन मैं पहन के तो रखता नहीं हूँ ज़्यादा कोई देर। गन लेके जानी है मैंने स्मार्ट वॉच, लाइट बंद कर वो भी मैं पहन के जाऊँगा। मम्मा मैं लाइट बंद नहीं, थोड़ी देर LED रखूँगा मैं, LED रखूँगा आपको उसको। लेकिन आप लोगों को फिर से एक बार ईद मुबारक, ईद मुबारक। और मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, मम्मा अब लोग बनाएंगी आपसे बाद में मतलब तक तक। और अब मैं तिब्बत वगैरह लगाऊंगा को नहीं करो, ऐसे हफ्ते नहीं करो, इरिटेट करता जाता है बच्चे, फिर अब ठीक हो गया ऐसे नहीं करो। और यहाँ पर मैंने कहा चलो थोड़े से पिक्चर से लगा दें, सब रेडी हो गए थे, सबके साथ पिक्चर वगैरह ले रही थी। चलो 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 शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ जी पापा के साथ चला गया था, वो कहता है मैं नाना के साथ बाइक पे जाने, इसको बाइक पे जाने का बहुत शौक है। पापा और अकान ने बाइक पे आना था, पापा ने उनके घर वापस जल्दी आ जाना था, इसलिए पापा और अकान बाइक पे चले गए थे। रास्ते में जी खाला का भी फोन आ गया था और मामी का भी आ गया था कि अभी तक आप लोग आए क्यों नहीं है पिक्चर्स वगैरह में। हम लोग जब भी हम लोगों ने कहीं जाना था, हमारा यही होता है कि हम लोग कहते हैं पहले पिक्चर्स वगैरह ले लो और फिर हम लोग घर से निकलेंगे। यहाँ पे जब हम लोग पहुँच गए थे, ईद मुबारक।
हाथ चल रहा है ये तो खाना जी यहाँ पे गरम गरम रख दिया था। मैंने कहा चले पहले मैं पिक्चर्स दूंगी फिर किसी ने खाना शुरू करना, यानी कि सबने बहुत अच्छा खाना था, मज़े का था। यहाँ पे जी खाना वगैरह डन था, सब बैठे जल्दी खड़े जो थे ऊपर बैठे थे, लड़के जो थे नीचे बैठे थे, हम लोग भी लड़के ऊपर साइड पे तख्तपोशों पर बैठ के थे। खाना सबने खाना शुरू कर दिया था, खान ने यहाँ पर भी देखी थी, मैंने खुद खाना है थोड़ा ही खाया था इसने। यहाँ पर भी जब पापा के साथ बैठते तो बहुत अच्छा खाना खा लेता है। सब ने जी फिर खाना वगैरह खाया है यहाँ पर, ये देखिए जी खान ने सामने बैठा था, भाई के साथ मैंने बिठा दिया था खाना खा ले। दानिश के लिए एक ही बड़ा है, एक नोट ही बड़ा दानिश के लिए। यहाँ पे जी अब हम लोग ऊपर दूसरी मामे की तरफ जाने के थे, मतलब कि दूसरे मामों की तरफ जाने के थे उनके पोर्शन में, और ये हमारी गाड़ी के ऊपर बिल्ली बड़े सुकून से बैठी थी, यहीं पे सो भी गई थी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खाना जी हम लोगों ने खा लिया हुआ था सब ने, तो फिर जब हम मामू की तरफ आए तो मामू ने कहा कि बताओ मैं क्या मंगवाऊँ। मामू तो कह रहे थे मैं ले आता हूँ चीज़ वगैरह, लेकिन हमने कहा सिर्फ आप आइसक्रीम लेके, हम आइसक्रीम ही खाएंगे। तो यहाँ पे जी हकान भी साथ चला गया था मामू के, और ये लोग जी आइसक्रीम लेके आए थे। फिर सब ने आइसक्रीम वगैरह खाई, बातें शातें की सब ने। मैंने जी पिस्ता फ्लेवर लिया था, हकान ने तीनों फ्लेवर्स लिए थे, आगे मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सब जी बातें वगैरह करते, बच्चा पार्टी अपना खेल रहे थे, हकान ने दो फ्लेवर ले लिए हुए थे, एक ये अभी और डलवा जी। ये किसके लिए लिए हैं हकान, आपने तीनों फ्लेवर्स लिए हैं, यम्मी। चको कर लो भाई, आपने भी ले लो। थैंक यू, थैंक यू।
बनाई है, अभी मैंने बनाई है। ठीक है, थैंक यू मम्मा। पापा जी फिर थोड़ी देर बैठे थे मामू की तरफ, उसके बाद पापा जी घर चल गए थे। पापा की तबीयत थोड़ी सी आवाज़ार होना शुरू हो गई हुई थी, टाइम भी काफ़ी हो गया था। उसके बाद हम जब नीचे मामी की तरफ आए दूसरे पोर्शन में, वहाँ पे आके जी हम लोगों ने दोबारा से कज़न्स वगैरह ने पिक्चर्स वगैरह ली, बातें की, बोतल लिया। बहुत ठंडी थी, मैं इसको कहती छोड़ दो इससे पहले। कैसा होगा मैं दुबा दूँ दानिश आप पीछे से बताओ। सबने भी कस्टर्ड खाया, मैंने तो नहीं खाया था क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मीठा ज़रा होता है तो मेरा मीठे से ज़रा दूर ही रहती हूँ। और फिर उसके बाद जी हम लोग जल्दी घर आ गए थे। अगले दिन जुम्मा था, मेरे खालू कह रहे थे कि सुबह जल्दी उठना है, शायद उनके कुछ फ्रेंड्स ने आना था, उनके घर गेस्ट वगैरह ने आना था। तो घर जाकर मेरे खाला ने खाना वगैरह भी बनाना था, मतलब सुबह उठ के तो जल्दी सोती तो जल्दी उठती ना। तो यहीं से जी व्लॉग का एंड होता है। होप कि आप लोग जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। ये हैं जी हम लोग की फुल लुक और ये सारी जी पिक्चर्स हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।